भक्ति कर तो इतनी कर की भक्ति की तू हद कर दे, और मेहनत कर तो इतनी कर्त की गरीबी को रद्द कर दे, और सत्संग सुन तो इतना सुन कि यमराज के दरबार में जब पहुंचे तो अपने कर्मों का खाता भी रद्द कर दे, रद्द कर दे। पूरा जुट जाना चाहिए। विद्यार्थियों को भी चाहिए पढ़ाई कर तो इतनी कर कि डिग्रियों का भी अंत कर दे, सब डिग्री ले लो, टॉप क्लास करो। लेकिन विद्यार्थी के लिए सबसे घातक, जहां तक मैंने देखा है, दो चीजें हैं। नंबर एक फैशन और नंबर दो मोबाइल। मोबाइल अभी दो के बाद तीसरा विद्यार्थी लेके घातक है, व्यसन। व्यसन और व्यभिचार, ये विद्यार्थी के लिए काल है। फैशन से भी अपने को बचाओ, क्योंकि ज्यादा शरीर पर ध्यान दोगे तो पढ़ने पर ध्यान कौन देगा। थोड़ा थोड़ा शरीर को ठीक कर लो, ऐसे भी गंदे फंदे मत घूमो, थोड़ा बाल वाल सुधार लो। लेकिन दो दो घंटे बाल सेट करना, तो फिर घंटे कहाँ बचेंगे पढ़ने के लिए। और फैशन की बहार, बालों पर बहुत ज्यादा आक्रमण चल रहा है। नवयुवक भी बालों का फैशन करते हैं, तो वो तो सब चारों तरफ बाल काट देते हैं, खोपड़ी के बीच में थोड़े से लगते हैं और रुई जैसे उड़ते रहते हैं, और चारों तरफ बाल काट के बाईपास रोड निकाल देते हैं, और इशारा दे रहे हैं कि बाईपास रोड बन चुकी है, इधर से गाड़ी पास कर लो। खोपड़ी के बीच में चौराहा है, वो खोपड़ी में बाल उड़ कितने पागल लोग हैं, वो खोपड़ी खराब भी लगती है इधर उधर बाल काटने से। अब लड़कियों में स्त्रियों में भी फैशन आया, तो वो कुछ बाल आगे लटकाती है। और तुम 50 लड़की इकट्ठी करो, 50 प्रकार के बाल की सेटिंग देखोगे। बुद्धिमान तो हैं लड़कियां, बहुत बुद्धिमान है। कोई इधर को लटका रही, कोई उधर लटका रही, कोई यहां से काट रही, कोई ऊपर खींच रही, कोई यहां डिजाइन बना रही, कोई बीच में थोड़ा बाल फुला देती है, गुलगुब्बा बना देती है। मैं तो देखता हूं तो हंसता हूं कि हद हद, जितनी मेहनत इन बालों पर किया, इतनी मेहनत पढ़ने में कर देती तो शायद ये कलेक्टर बन जाती। ऐसे में सब बेटियों से भी खुश हूं, बेटों से भी खुश हूं, नाराज नहीं हूं, लेकिन मेरी इच्छा है ये सब बेटियां सेल्फ डिपेंड हो, इतनी योग्य बने कि अपने पैरों खड़ी हो सके। कहीं फैशन के आकर्षण में इनका समय बर्बाद ना हो, व्यसन विलास में इनका समय बर्बाद ना हो, मोबाइल में नवयुवक का समय बर्बाद ना हो। अपने जीवन में किसी भी चीज को व्यसन न बनने दो, आवश्यकता भर रखो, बस ठीक है। अभी यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज के छात्र नशा में भी डूब रहे हैं, माँ बाप को बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं इतनी फीस देनी है, उतनी देनी है, कोचिंग करनी है, माँ बाप को कोच कोच कर, कोचिंग कोचिंग बता बता कर, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार मंगा करके, और वहाँ नशा के चक्कर में फंसे हुए हैं। तुम सोचते हो माँ बाप को बर्बाद कर रहा हूँ, नहीं, तुम अपना भविष्य और भाग्य बर्बाद कर रहे हो। माँ बाप तो ये बूढ़ी हड्डियाँ कमा कमा कर तुमको दे देंगी, थोड़े दिन बाद मर जाएंगी, लेकिन तुम्हारी हड्डियों की दुर्दशा होगी, तुम योग्य नहीं बन पाओगे। इसलिए यूनिवर्सिटी के छात्रों से भी निवेदन है, डिग्री कॉलेज के छात्र छात्रा, कृपया जिस उद्देश्य से घर छोड़ करके वहां गए हो, उस उद्देश्य में अपना ध्यान लगाइए, वहां नशा व्यसन में मत डूबिए, मोबाइल में फिल्म उलम मत देखिए, जिंदगी को धन्य बनाना है,
तो प्रवचन सुनिए और प्रवचन सुन करके व्यसन से बचिए, फैशन से बचिए, और कोई प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए। नशा हो तो एक हो जो तुम्हारे जीवन का परम लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने का नशा आपके ऊपर चढ़ना चाहिए, और वहां तक पहुंचना ही है, वही दिखना चाहिए। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, ऐसे आपको भी अपना लक्ष्य दिखना चाहिए, इधर उधर दूसरा कुछ नहीं दिखना चाहिए। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किसी अर्थ यहो, यह जन्म हुआ किसे अर्थ यहो, समझो जिससे की व्यर्थ न हो, समझो जिससे की व्यर्थ न हो, संभलो की सुयोग न जाई चला, समझो की सुयोग न जाई चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश अपना, समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर हैं मेरे गुरुवर हैं, अवलंबन को नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। आपका नाम भी होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में, विज्ञान का क्षेत्र हो या चिकित्सा की फील्ड हो या शिक्षा की फील्ड हो या साधना का मैदान हो या राजनीतिक दृष्टिकोण हो, लेकिन वहां पर भी आपका यश होना चाहिए। राजनीति भी करो ईमानदारी से करो, राजनीति में भी ईमानदारों को ज्यादा बढ़ने का मौका मिलता है। शिक्षा क्षेत्र में भी योग्य बनो, स्पेशलिस्ट बनो। जब तक तुम स्पेशलिस्ट नहीं बनोगे, इस संसार में तुम्हारी डिमांड नहीं है। इसलिए विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं बोलो? विशेषज्ञ जैसे होते हैं ना, हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। जब तुम्हें बीमारी आती तो स्पेशलिस्ट को ढूंढते हो। ऐसे ही आप जिस क्षेत्र में काम करते हो उसमें स्पेशलिस्ट बनो। घर में रहने वाली महिलाओं को भोजन में स्पेशलिस्ट होना चाहिए, इनको घर की साज सज्जा में स्पेशलिस्ट होना चाहिए, साधु को अपनी साधना में, आश्रम को सजाने संवारने में स्पेशलिस्ट होना चाहिए। यदि तुम स्पेशलिस्ट हो तो तुमको पुकारा जाएगा, तुमको ढूंढा जाएगा, तुमको बुलाया जाएगा, तुमको याद किया जाएगा, और लोग कहेंगे उनको बुलाइए, वो अच्छा कर लेते हैं। विशेष अंक प्राप्त करिए। बिजनेस करो तो उसमें भी विशेषज्ञता होनी चाहिए। दुकान आपकी सुंदर है, दुकान का सामान सुंदर है और दुकानदार का चेहरा सुंदर है, लेकिन दुकानदार का व्यवहार सुंदर नहीं है, दुकानदार की वाणी मधुर नहीं है, दुकानदार की बातचीत आकर्षक नहीं है,
तो दुकान नहीं चलेगी, दुकान आगे डेवलप नहीं होगी। इसलिए आपका व्यवहार भी सुंदर होना चाहिए, बातचीत का ढंग भी आकर्षक होना चाहिए। और किसी भी क्षेत्र में बातचीत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मनुष्य का विचारों का आदान प्रदान तो बातचीत के माध्यम से ही होता है। इसलिए बातचीत करने का तरीका सीखो, और ये तरीका अगर सीखना है तो आप रामायण, जो रामानंद सागर का सीरियल है ना, उसको सुनो, तो उसमें भी तरीका बहुत है। कौन किससे बोलता है, कैसे शब्द हैं, राम कैसे बात कर रहे हैं, लक्ष्मण कैसे बोलते हैं। ज्यादातर राम बोलते हैं, लक्ष्मण चुप रहते हैं। चुप रहना भी सफलता की चाबी है, कहीं कहीं चुप रहना चाहिए। अगर कोई तुमसे अच्छा बोलने वाला है तो वहां चुप रहो, और अगर तुमसे अच्छा कोई बोलने वाला नहीं तो वहां तुम ही बोलो, फिर चुप मत रहो। तुमसे अच्छा कोई कार्य करने वाला है तो उसको चांस दे दो। अगर तुमसे अच्छा कार्य का रिजल्ट कोई नहीं दे सकता तो तुम स्वयं करो फिर उसको। हमारे आश्रम पर जब फोन आता था, आज के 34 साल पहले, उस समय फोन थे, मोबाइल नहीं थे, तो हमारे आश्रम के संचालक साहब मेरे पास आते थे, वो बोलते थे तुम बात करो। तो मैंने कहा आप बड़े हैं, आप करिए। बोले नहीं, हमको बात करना उतना आता नहीं है, तुम अच्छे तरीके से बात करोगे। बात करना भी एक कला है, काम करना भी कला है, भोजन बनाना भी कला है, भोजन परोसना भी कला है, झाड़ू लगाना भी कला है, कपड़ा धोना सुखाना तहा करके रखना भी कला है, घर के सामान को सजा धजा कर रखना वो भी कला है। बहुत सी कलाएं संसार में हैं, गाड़ी चलाना भी कला है, गाड़ी को साफ करना भी कला है, गाड़ी बिगड़ जाए उसको बना देना वो भी कला है, ये माइक चलाना भी कला है। ये जो माइक चला रहे हैं हमारे संत जी बहुत कलाकार हैं, वे कभी आते नहीं, दर्शन नहीं देते, पीछे बैठे रहते हैं गाड़ी के अंदर ही, और इतनी मशीनें लगी हैं, तुम झांक कर देख लेना कभी इच्छा हो आपकी, बड़ा कलाकार व्यक्ति है वो, इधर आता ही नहीं है, 3-3 दिन हो जाते हमको भी नहीं मिलता है, हमारा ही चेला बोलता है कला खेल रहा हूँ, मिलने की जरूरत नहीं है, कला कंद बना रहा हूँ। और वीडियो चलाना भी कला है, किसी को डपटना भी एक कला है, डिसिप्लिन करना, अनुशासन रखना कला है। कितने लोग ऐसे होते जब वो पहुंचते हैं सब कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल, और कितने लोग उसी में बैठे रहेंगे खुद ही बेकंट्रोल। अनुशासन भी कला है, साफ सुथरा रहना भी कला है, हंसना भी एक कला है, मुस्कराना भी कला है। लेकिन किस कला को कहां पर हमको प्रयोग करना है ये भी सबसे बड़ी कला है। अगर किसी की मृत्यु संस्कार में तुम गए हो वहां हंस रहे हो तो ये कला गलत जगह प्रयोग कर रहे हो। अगर किसी के शादी में गए हो वहां रो रहे हो तो ये कला गलत जगह, रोना भी कला है, और रोने की कला महिलाओं में सबसे ज्यादा होती है। महिलाओं के पास में ये कला, एक करुणावान महिलाएं होती, एक करुणा मूर्ति है, ममता मूर्ति है, ये रोती भी है, हंसती भी ज्यादा है, और मुस्कराती भी ज्यादा है। पुरुषों को हंसना भी मुश्किल, मुस्कराना भी मुश्किल, रोना भी मुश्किल, पुरुष बुरी तरह से फंस जाता है, ना खुल के रो सकता है, बूंग मार के रोता नहीं, शर्माता है, अंदर सिसक सिसक कर रोता है, ई करता है। और महिलाएं जब रोती है, अरे पूरा फूट फूट कर रोती है, आ दैया रे, मैया रे, भैया रे, सब बोलती है। और कितनी महिलाएं तो अपने सीने मुक्का भी मारती है, और कितनी महिला जब रोती है तो सिर को जमीन में पटकती है। मैं कहता हूं हे होशियार, किसी के घर कोई मर गया था तो मैं गया एक बार, तो जिसका पति मरा था या क्या था पता नहीं, याद नहीं, छोटा था तब की बात है, लेकिन वो एक लकड़ी गड़ी हुई थी,
तो अपने शिर को टकराती थी, तो इतनी होशियार थी, दूर से लाती थी सिर, जब लकड़ी पास में आ जाती थी तो साइड में टकरा देती थी, लकड़ी में नहीं मारती थी ठोकर। तो मैं सोचता था अगर दुख में ज्यादा व्यथित होती तो लकड़ी क्यों दिख रही, उसी मार दे। तो मैंने कहा ए माता जी सीधे ठोकर लगाओ, लकड़ी है इसमें टकरा दो। बोले तुम मत बोला करो। रोना ये भी बहुत बड़ी कला है, हंसना भी कला है, खुश रहना भी कला है, विचित्र विचित्र कार्यों को करना भी कला है, दूसरों को समझाना सबसे बड़ी कला है, और खुद समझ जाना ये उससे बड़ी कला है, और ना समझ को भी समझा देना ये बहुत बड़ी कला है, और सबको समझा करके एक संगठन की डोर में बांधना ये भी बहुत बड़ी कला है, और एक डोर में बांध करके सबसे सही तरीके से काम लेना ये बहुत बड़ी कला है। इस कला को जो सीख जाता है उसे कलाकार कहा जाता है, वो जीवन में कभी असफल नहीं होता है।